यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा इस बार पास किए हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आगे हम क्या करें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको 11th अर्थात क्यों नहीं करना है इसकी जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो बहुत कम समय में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो आप लोग को अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए हमने यहाँ पे लाए हैं madhavansi.com, जहाँ से आप अपने किसी भी क्लास की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नोट्स यूज के साथ सारी चीज आपको फ्री होगा। तो आइए मैं कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को आना है और यहाँ पे करके आपके लिए पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं कौन ऐसा कोर्स है जो आपको कर लेना चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आता है क्या करें भाई क्या करें। तो आपका सबसे बड़ा सवाल होता है, तो बता दें कि यहाँ पे क्लास 10th के बाद बहुत सारे ऐसे वेस्ट कोर्सेज होते हैं जो यदि आप कर लेते हैं तो वास्तव में आप मैट्रिक में रहने के बाद भी आप नौकरी कर सकते हैं। तो बता दें कि मैट्रिक का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, आपका नंबर मायने नहीं रखता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपको ये होता है कि आप अगली कक्षा करें या फिर कोई कोर्सेज कर लें। तो मैं उस कोर्सेज के बारे में यदि आपको बताना चाहूँगा तो आप इसे पढ़ के फुल जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इंटर क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में आप समझ लीजिए। बता दें कि मैट्रिक पास करने के बाद सभी विद्यार्थी यही सोचते हैं कि हम इंटर में एडमिशन लेंगे और आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन नहीं, आपको उससे पहले कुछ ऐसे कोर्स होता है जिसको आपको करना चाहिए। जैसे में हो जाता है आपको कौन कौन सा लेना चाहिए, सब्जेक्ट क्या लेना है, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। हम मेनली पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आपको बता दें कि मैट्रिक के बाद यदि आप कर लेते हैं ITI पॉलिटेक्निक के एक विभाग होता है जहां आप कर सकते हैं, पैरामेडिकल डेंटल आप कर सकते हैं, PMD जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, जिसका फॉर्म आपको अप्रैल के बाद मई जून के आसपास आता है। यदि ये सब कोर्स आप कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, यकीनन बता सकता हूं, यदि आपको नौकरी सरकारी हो या ना हो प्राइवेट नौकरी अच्छे खासे आपको अर्निंग के साथ आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ITI कर लेते हैं तो भी आप प्राइवेट सेक्टर से जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको नॉलेज हो जाएगा और यहाँ पर इंटर की आपको डिग्री भी मिल जाएगा, इंटर नहीं करने के बाद भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक भी करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, पैरामेडिकल डेंटल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ISC या फिर IA इंटर का डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट कोर्सेज होता है जो आपको करना चाहिए। इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर कुछ के कोर्स ऐसे होते हैं जो करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, आप रोजगार मिल जाएगा, आप कहीं भी आप कमा सकते हैं, अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। बता दें कि ये सरकारी नौकरी करके आप अमीर तो नहीं बन सकते, ना ही भूखा मर सकते, लेकिन आप करोड़पति कभी नहीं बन सकते, ये बिल्कुल तरह से इतिहास गवाह है और आप ये अच्छे से यकीन कर रहे होंगे। तो आप लोग को बता दें कि आपको जरूर ये कोर्सेज पे ध्यान दीजिए और कोर्स जैसे निकलता है आप यहाँ पे ध्यान रखें, यदि आप कोर्सेज नहीं करते हैं तो इंटर करना अनिवार्य है, निश्चित रूप से कर ले। अगर आपको देखे कि अगर दोनों बगल में से कहीं नहीं होने वाला है तो दोनों बगल हाथ बढ़ा दीजिए, कोई ना कोई आपको हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे इंटर के लिए भी आप आवेदन कर दीजिए, उसके बाद आपको कोर्स होता है, कोर्स के लिए भी अप्लाई कीजिए, सरकारी से ITI कीजिएगा, मात्र आपको 2-3 हज़ार रुपये में पूरा हो जाएगा। तो इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आया या नहीं ये हमें कॉमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। साथ ही साथ अपने भाई को बताएं कि यहाँ पे आपका 10th का तैयारी फिर से शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से, यानी 5 अप्रैल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।